गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन रहा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राउंड तक का जिक्र कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत को देखकर वोट दें। खड़गे ने सवाल किया, तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें? पार्षद चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, एमएलए चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, एमपी चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, हर जगह आपका ही चेहरा देखा जाएगा क्या? कितने चेहरे हैं आपके? क्या आपके रावण की तरह 100 मुख हैं क्या? एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी काम पर कुछ नहीं बोलते, बीजेपी में सिर्फ जुमलेबाजी होती है। ये जुमले ऐसे बोले जाते हैं कि झूठ के ऊपर झूठ, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। कहते थे सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या गुजरात में किसी को रोजगार मिला? खड़गे ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन करने की आदत है। कोई भी चीज किसी ने तैयार की हो उसमें चूना लगाकर कलर लगाकर उद्घाटन करते हैं, फिर कहते हैं ये मेरा है। इनके पैदा होने से पहले का भी कोई अहमदाबाद सूरत में प्रोजेक्ट हो तो उसमें भी चूना लगाकर कहेंगे कि मैंने उद्घाटन किया। डेडीपाड़ा में प्रचार करने पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया था। खड़गे ने कहा कि मोदी खुद को गरीब बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं, वे खुद को गरीब बताते हैं लेकिन हम अछूतों में आते हैं। आपकी चाय तो कम से कम लोग पीते हैं, मेरी तो कोई चाय भी नहीं पीता। खड़गे ने कहा, अगर आप यह सहानुभूति बटोरने के लिए करते हैं तो बता दूं, लोग काफी स्मार्ट हैं। आप कितनी बार झूठ बोलेंगे? आप झूठों के सरदार हैं। खड़गे ने कहा, वे हमसे पूछते हैं, खासकर मोदी जी, अमित शाह, कि हमने 70 साल में क्या किया। अरे भाई, अगर 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो आप लोग लोकतंत्र नहीं पाते। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होना है। 182 सीटों वाले राज्य में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इस दिन हिमाचल विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आने हैं। 27 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी इस बार भी चुनाव जीतने के लिए पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी। वहीं कांग्रेस की कोशिश बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की रही। दिल्ली पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रही है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।